मैं उसे लाफिंग कमला कहता हूँ। आपने कभी उसे हंसते हुए देखा है? वो पागलों की तरह हंसती है। वो पागल है, झूठी है। 21 जुलाई को मिशिगन में रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को लेकर कही थी। तब अचकलें थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। कमला हैरिस ने एक भारतवंशी महिला के घर जन्म लिया। उनकी मां ने अपने बच्चे पैदा करने के बजाय 200 बच्चों की परवरिश की, जो अश्वेत होकर अमेरिका की पुरुष प्रधान पॉलिटिक्स में सबसे बड़े पद की दावेदार बनी। चलिए स्टोरी में जानते हैं वो लाइफ जर्नी जिसने कमला को कमला हैरिस बनाया। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया में हुआ था। वे 2 प्रवासियों के घर में जन्मी थी। उनकी मां श्यामला गोपालन ग्रेजुएशन के बाद 19 की उम्र में भारत के तमिलनाडु से अमेरिका चली गई थी। 1958 का ये वो दौर था जब अमेरिका में ब्लैक्स अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। यहां उनकी मुलाकात जमैका के लड़के डोनाल्ड हैरिस से हुई थी। दोनों अश्वेत थे, ऐसे देशों से अमेरिका आए थे जो सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। ये समानताएं उन्हें करीब लाई और उनमें प्यार हो गया। वे असमानता और रंगभेद के खिलाफ एक साथ प्रदर्शनों में शामिल होने लगे। श्यामला का प्लान था कि वो पढ़ाई कर अपने वतन भारत लौट जाएंगी, पर ऐसा ना हो सका। डोनाल्ड के प्यार ने श्यामला को अमेरिका में ही रोक लिया। 1963 में दोनों ने शादी कर ली। कमला श्यामला और डोनाल्ड की पहली संतान है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब कमला छोटी थी तो श्यामला और डोनाल्ड उसे पालने में रखकर प्रदर्शनों में ले जाते थे। कमला के जन्म के 3 बाद उनकी बहन माया पैदा हुई। हालांकि तब तक माता पिता में मतभेद बढ़ने लगे। एक इंटरव्यू में कमला हैरिस ने बताया था कि उनके माता पिता का रिश्ता तेल और पानी जैसा हो गया है। कमला के पिता अपनी किताब रिफ्लेक्शन ऑफ जमैकन फादर में लिखते हैं, उस वक्त कोर्ट का मानना था कि बाप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते। ऊपर से मैं एक अश्वेत बाप था। हमें लेकर सोच थी कि हम अपने बच्चों को नाश्ते में खा जाएंगे। इसके बावजूद मैंने अपने बच्चों का प्यार हासिल करने के लिए कभी कोशिश नहीं छोड़ी। नतीजा ये हुआ कि दोनों ने शादी के 9 बाद 1962 में तलाक ले लिया। इस वक्त कमला महज 7 की थी। तलाक के बाद कमला हैरिस और उनकी बहन की परवरिश मां ने ही की थी। इसके चलते कमला पर भारतीय संस्कृति का काफी असर पड़ गया। कमला की मां तमिल ब्राह्मण थी। उनका मानना था कि देवियों को पूजने वाली संस्कृति में औरतें मजबूत और साहसी होती हैं। पिता से डिवोर्स के बावजूद श्यामला गोपालन ने बेटियों को न सिर्फ भारतीय बल्कि पिता की अफ्रीकी संस्कृति की भी सीख दी थी। कमला जब सिर्फ 5 की थी तब वो अमेरिका के इतिहास में हुए सबसे अहम सोशल एक्सपेरिमेंट में शामिल हुई थी। अमेरिका में रंगभेद की वजह से अश्वेत और श्वेत बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल हुआ करते थे। 1954 में इस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद जमीनी हकीकत नहीं बदली। व्हाइट पेरेंट्स सड़कों पर उतर आए। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे अश्वेतों के साथ पढ़े। सरकार ने हालात सुधारने के लिए एक सिस्टम शुरू किया। इसके तहत अश्वेत बच्चों को बस के जरिए बड़े और मॉडल स्कूलों तक पहुंचाया गया। इसमें ज्यादातर व्हाइट बच्चे पढ़ा करते थे। कमला हैरिस भी उन बच्चों में शामिल थी जो सरकारी बसों में गोरे बच्चों के बड़े स्कूल में पढ़ने पहुँचते थे। कमला हैरिस जब 12 की हुई तो उन्हें माँ और बहन के साथ अमेरिका छोड़ कनाडा जाना पड़ गया, जहां उनकी मां को मैकगिल यूनिवर्सिटी में टीचर की नौकरी मिली थी। अमेरिका छोड़ने पर कमला को बहुत बुरा लगा था। कमला हमेशा अपने दोस्तों को मिस करती थी। कनाडा में गुजारे 5 में कमला ने 4 अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की। करियर के तौर पर जब कमला ने वकालत चुनी तो उनकी मां को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनकी मां को समझ लिया। कमला का कहना है कि वो वकील इसलिए बनी ताकि कानून के जरिए महिलाओं, बच्चों और अश्वेतों का जीवन बेहतर कर सके। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि अमेरिका की राजनीति में वकीलों की हमेशा से ही दबदबा रहा है। कमला के पॉलिटिकल करियर की पहली सीढ़ी भी वकालत ही रही। वे जिला अटॉर्नी से स्टेट अटॉर्नी और फिर सीनेट तक पहुंची। जिला अटॉर्नी बनने के साल भर बाद ही कमला अपनी अप्रोच को लेकर विवादों में घिरने लगी। इन विवादों ने कमला की लोकप्रियता को बढ़ाया। 2004 में एक क्रिमिनल गैंग के मेंबर ने एक पुलिस वाले इसाक एस्पिनोजा की गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों की मांग थी कि हत्यारे को मौत की सजा मिले। हालांकि कमला ने सरकारी वकील के तौर पर मौत की सजा की मांग नहीं की। इसे लेकर न सिर्फ पुलिस वालों बल्कि कैलिफोर्निया के सीनेटर तक ने उनका विरोध किया था। हैरिस ने ऑकलैंड में एक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के रूप में काम किया।
और 2004 में रैंक्स के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनी। हैरिस ने अमेरिकी सीनेट और कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया है। एक सीनेटर के रूप में उन्होंने नकद जमानत में सुधार, भूख से निपटने, किराए में राहत प्रदान करने और जलवायु संकट को दूर करने के लिए कानून बनाया था। इसके बाद कमला देवी हैरिस को 2021 में डेमोक्रेटिक प्रशासन में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की 39वीं उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कमला हैरिस पहली महिला, पहली अफ्रीकी अमेरिकी और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी। तो ये थी भारतवंशी माँ की बेटी कमला हैरिस की कहानी। ऐसी और दमदार लोगों की जिंदगी के बारे में जानने के लिए मुझे कमेंट करके बताइए अगली किसकी बायोग्राफी आप सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी।